दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 185 किलोवाट मोटर का फॉल्ट के बारे में भी बताऊंगा और इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट बना हुआ रहता है कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो हम लोगों को स्लीवरिंग मोटर रहता है, इसमें हम लोग ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स का रोल क्या है। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में ही लगाएंगे तो क्या होगा। और ज्यादातर देखिएगा, जो 185 किलोवाट का मोटर रहता है, 120 टन, 100 टन, जब आपका बहुत बड़ा क्रेन हो जाता है तब क्या होता है, उसका हर सिस्टम अलग अलग टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, जब आप 100 टन 200 टन का क्रेन में काम कीजिएगा तो देखिएगा, एलटी में आपका चार गो मोटर लगा हुआ रहता है, चारों आपका सिलीवरिंग मोटर है। और कंपनी जब चार गो मोटर लगाया है, उसके लिए चार गो रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाया है, बहुत कुछ सोच समझ के। ऐसा क्यों? बहुत सब ब्रांड को ये भी डाउट रहता है कि चार मोटर के जगह अगर दो गो बड़ा बड़ा मोटर लगा देंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। अगर दो गो बड़ा मोटर लगाने से काम हो जाएगा तो हम लोग चार गो मोटर क्यों लगाए हैं। इस टाइप का दोस्तों बहुत सा जो डाउट है हम लोगों के अंदर में बना हुआ रहता है। और जब तक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा, आपके अंदर में डाउट क्लियर नहीं होगा। अभी एक सिलीवरिंग मोटर हमारा कितना किलोवाट का है, 185 किलोवाट का। अभी इसके अनुसार में अगर आप क्रेन में लगाइएगा तो देखिएगा, ज्यादातर 120 टन के आसपास जो क्रेन रहता है इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो आपका 120 टन का क्रेन है, इसमें और एक चीज हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपका ब्रेक थायरिस्टर रहता है, ठीक है, इसमें ज्यादातर हम लोगों को कौन सा ब्रेक यूज होता है, डीसी ब्रेक यूज होता है। तो डीसी ब्रेक का भी रोल बहुत बड़ा रहता है। डीसी ब्रेक देखिएगा, जो आपका मैकेनिकल फिटर रहता है जल्दी सेटिंग नहीं कर पाता है, सेटिंग करने के लिए भी प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी क्या होगा, ठीक से सेट होगा। अगर आप गलत सेटिंग करके चलवाइएगा तो देखिएगा, जो ब्रेक ड्रम रहता है और जिसमें आपका ब्रेक लाइनर लगा हुआ रहता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके धुआं देता रहता है, मतलब वो हल्का हल्का गर्म होकर जलता रहता है। इसीलिए जब भी आप बड़ा बड़ा क्रेन में काम कीजिएगा तो ये सब चीज बहुत ध्यान में रखना है कि एक जो हमारा मोटर है 185 किलोवाट का, इसमें ज्यादातर आपका मेन हस्ट में ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो आपका लॉन्ग ट्रेवल रहता है और क्रॉस ट्रेवल रहता है एलटीसीटी में, मतलब जो 10 टन 15 टन का क्रेन रहता है, उससे तो थोड़ा आपका बड़ा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा भी कुछ इमरजेंसी कंडीशन रहता है जिस पीरियड में आप जो आपका सिटी का मोटर रहता है और एलटी का मोटर रहता है, तो इसका जो सिलीवरिंग मोटर रहता है तो रोटर का जो कनेक्शन रहता है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में फॉल्ट आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, KLM जो आपका सिलीवरिंग मोटर टर्मिनल रहता है, इसको हम लोग इसी जगह से शॉर्ट करके चला सकते हैं। कौन कौन सा, कि लॉन्ग ट्रेवल का मोटर और आपका सिटी का मोटर, लेकिन मेन हस्ट का मोटर में आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। यही आप लोगों को, मतलब जो डाउट रहता है, डाउट क्लियर होगा। अभी आपको जानना है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, जब सिटी का मोटर एलटी का मोटर हम लोग थोड़ा सा बाईपास करके चला सकते हैं, लेकिन मेन हस्ट का मोटर क्यों नहीं चला सकते हैं। तो 185 किलोवाट का मोटर है, इसके लिए देखिएगा जो आपका रोटर वोल्टेज होगा ये कितना होगा, 425 के आसपास रोटर वोल्टेज रहता है। तो सिर्फ रोटर वोल्टेज देखने से नहीं होगा, रोटर एम्पियर भी आपको देखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपका डाउट क्लियर होगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। इस जगह में जो आपका रोटर एम्पियर रहेगा, ये हमारा कितना रहेगा, ये हमारा मोटा मोटी आसपास 190 एम्पियर रहेगा। अभी बहुत सा ट्रेन का ये भी डाउट रहता है कि 190 एम्पियर हमारा मोटर में नहीं बता रहा है, उसके जगह में हमारा कितना बता रहा है,
जब भी हम ये जो KLM एम्पियर चेक कर रहे हैं तो हमारा 4.5 एम्पियर या 3.5 एम्पियर इसी के आसपास बता रहा है। तो 190 एम्पियर कब बताएगा? जब दोस्तों आप पैनल में जाके देखिएगा, जो रिवर्स और फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है उसी में जब आपका रिवर्स से फॉरवर्ड होगा उसी टाइम ये जो KLM है, जो मोटर टर्मिनल से कनेक्शन हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स में, ठीक इसी जगह में आपको किलोमीटर लगाना है। चाहे डी पे भी लगा सकते हैं, ई पे भी लगा सकते हैं, एफ पे भी लगा सकते हैं। किलोमीटर लगा के रखिएगा कुछ मिली सेकेंड के लिए, आपका 190 एम्पियर आपका शो होगा और वही होता है हम लोगों को रोटर का फुल लोड एम्पियर। और जब आप चेक कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दे के चेक करना है क्योंकि कुछ मिली सेकेंड के लिए ही शो होता है। अभी इस जगह में दोस्तों हमारा 190 एम्पियर का बात है, तो जब हमको 190 एम्पियर डाउन करना पड़ेगा तो हम किसके थ्रू करेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू करेंगे। तो इस जगह में दोस्तों एक सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि जो हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं ये मोटर का एम्पियर को डाउन करने के लिए, मतलब अगर 190 एम्पियर है तो एक बार में तो 190 एम्पियर को आप डाउन नहीं कर सकते हैं, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर लगाते हैं। रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर लगा के उसका एम्पियर डाउन करते हैं। किस तरह से? फर्स्ट टाइम जब आपका मोटर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट टाइम हम लोगों का मोटर किस तरह से स्टार्ट होता है कि जो हमारा आर वाई और बी है इसमें हम लोग पावर का कनेक्शन करते हैं, मतलब यू वी डब्ल्यू इसमें हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं। और जो आपका KLM है इसमें जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का DEF है इसका कनेक्शन करते हैं। और उसके बाद जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं उसी टाइम आप देखिएगा, चाहे इस जगह में किलोमीटर लगा के रखिए या इस जगह में किलोमीटर लगा के रखिएगा, तो उसी टाइम आपका हाई एम्पियर शो होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क। तो एक सिलिवरिंग मोटर में हम लोग क्या जानते हैं, इससे पहले भी मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूं कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है इसमें जो आपका सिलिवरिंग मोटर रहता है, सिलिवरिंग मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा तभी क्या होगा, हमारा जो वजन वाला सामान है जैसे 120 टन हो गया, 150 टन हो गया, 200 टन हो गया, उठेगा। तो इसी जगह में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये 190 एम्पियर है ये रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम लोग डाउन करते हैं। पहले क्या करते हैं, जैसे आपका मोटर चालू हो गया तो चालू होने के बाद आपका रेजिस्टेंस एक नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो जब आपका रेजिस्टेंस का एक नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम क्या होगा, आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका फुल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक नंबर कॉन्टैक्टर जब हमारा ऑन हुआ तो हमारा इतना दूर रेजिस्टेंस कट आउट हुआ, मतलब ये जो 190 एम्पियर है थोड़ा सा एम्पियर आपका डाउन हुआ। अभी ये काम किस तरह से कर रहा है, यहां तो आपका कॉन्टैक्टर रेजिस्टेंस वन ऑन हो गया, मतलब आपका शॉर्ट हो गया। शॉर्ट जब हो गया, शॉर्ट मतलब दोस्तों गलत नहीं समझना है, ऐसे स्टार कनेक्शन रहता है और डेल्टा कनेक्शन भी रहता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया हूं तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो स्टार बना के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट किए, ठीक है, मतलब ये जो हम कनेक्शन बना के रखे ये हम लोग रेजिस्टेंस का जीरो पॉइंट होता है, लास्ट में हम लोग इसे जीरो पॉइंट निकाल के लेके आते हैं। तो ये जो तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट में से इसको जब हम शॉर्ट किए तो हमारा 190 एम्पियर में से कुछ एम्पियर कम हुआ, ठीक है। उस टाइम हमारा काम किस तरह से कर रहा है, यहां से लेके यहां तक आपका रेजिस्टेंस काम कर रहा है उस पीरियड में जब आपका एक नंबर कॉन्टैक्टर ऑन हो गया उस टाइम। अभी जिस हिसाब से आप रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर को सेट करके रखे हैं उसी, चाहे 0.5 सेकंड हो, 0.2 सेकंड हो, उसके बाद आपका रेजिस्टेंस नंबर दो नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके बाद एम्पियर आपका और थोड़ा सा डाउन होगा, मतलब कम हो जाएगा। उसके बाद जब आपका रेजिस्टेंस तीन नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम आपका एम्पियर कम हो जाएगा। कितना कम होगा उस पीरियड में आपको दिखाई देगा यही एम्पियर, जब आपका तीन नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम।
ये जितना सारा चीज है, जब तक आप एक बार प्रैक्टिकल में क्लैम्पर लेके इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में चेक नहीं कीजिएगा, आपके अंदर में डाउट क्लियर नहीं होगा कि जो हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं ये किस लिए लगाते हैं। और ये कॉन्फर्म करने के लिए क्लैम्पर लेके इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में आपको जाके चेक करना है। किस तरह से चेक करना है, तो जो हमारा मास्टर कंट्रोल रहता है इसमें एक नंबर कब काम कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लगा के देखना है किसमें हमारा कितना एम्पियर दिखा रहा है। अभी एक नंबर में देखने के बाद फिर दो नंबर में देखना, फिर तीन नंबर में देखना है, तभी क्या होगा आपके अंदर में डाउट क्लियर होगा। और अभी जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना के समझाता हूं, तो आप लोगों का डाउट हमको क्लियर करना है। कब क्लियर होगा, जब आप अपने से अपने हाथ से चेक करके देखिएगा। अभी इस जगह में दोस्तों और एक प्रॉब्लम आता है। किस टाइप का प्रॉब्लम, बहुत बार देखिएगा रेजिस्टेंस में आपका जो प्लेट लगा हुआ रहता है, प्लेट आपका कभी कभी कट जाता है, तो उस पीरियड में हमारा क्या क्या मोटर में फॉल्ट आएगा। अगर कोई कारण से आपका ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, चाहे डी सीरीज हो, ई सीरीज हो, एफ सीरीज हो, किसी एक का या दो का प्लेट जो है कट गया, मतलब ये जो हमारा प्लेट लगा हुआ है इस जगह में हमारा प्लेट कट गया, इस सीरीज का कट गया, या मान लीजिए डी सीरीज का कट गया, या आपका एफ सीरीज का कट गया, तो तीनों में से कोई एक ही का कटा। अभी इस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा कट गया यहां से लेके यहां हम लोग बाईपास कर देते हैं, ठीक है। बाईपास करके क्या होता है, यही रेजिस्टेंस बॉक्स है आपका मोटर चालू रहता है, लेकिन कब तक चलता है देखिएगा, कभी कभी 6 महीना भी चल जाता है, कभी कभी आपका साल भर भी चलता है, कभी कभी 2 साल भी चल जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपका ये प्लेट अगर कटेगा, तो एक बार में देखिएगा 3 से 4 प्लेट आपका कट गया। अभी ये जो आपका प्लेट काटा, उस टाइम हमारा मोटर में क्या इफेक्ट आया, या किस लिए प्लेट काटा, उसी पीरियड में आपको चेक करना है। क्या क्या चेक करना है, एक नंबर में सबसे पहले आ जाता है जो हमारा मोटर रहता है, मोटर का जो रोटर रहता है, स्लिप रिंग मोटर में, रोटर में देखिएगा 185 किलोवाट हो या उससे ज्यादा भी मोटर रहता है, तो उसमें स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। स्ट्रिप के पास जो आपका रोटर का वाइंडिंग है, वहां से 3 गो वायर निकाल कर लेके आ रहा है, वो आपका मोटर के अंदर देखना है, जहां पे आपका कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है और कार्बन होल्डर लगा हुआ रहता है। तो देखिएगा मोटर के अंदर जब ढक्कन खोल के, तो ठीक जो आपका रोटर है ये जो KLM निकाला के लेके आया है, इसी जगह में कोई ना कोई एक वायर आपका कट जाएगा। जब आपका कटेगा उस टाइम आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का प्लेट के चलते हो रहा है या किस लिए कटा है, ये भी जानना जरूरी है। तो पहले आपका मोटर का लीड कटा, लीड कटने के साथ साथ ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका जब आप प्लेट चेक करिएगा, तो देखिएगा 2 गो 3 गो 4 गो प्लेट भी कट गया है, मतलब जो आप बाईपास करके चला रहे थे इसका इफेक्ट क्या आया, जो KLM है रोटर का टर्मिनल, उसका लीड कट गया। अगर ये बाईपास करके हम लोग नहीं चलाते तो हमारा नहीं कटता। अभी जब आपका और दोबारा 4 गो प्लेट कट गया, अब आप किसी भी हाल में इस रेजिस्टेंस बॉक्स को चला नहीं सकते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स किस लिए यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हम लोग एम्पियर डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई भी इलेक्ट्रिकल का जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, सीधा जब आपको पूछेगा कि हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स किस लिए लगाते हैं, ना हम लोग एम्पियर डाउन करने के लिए। तो इस जगह में हमारा जो रोटर वोल्टेज है, ठीक है, तो जहां पे आपका एम्पियर होगा वहां पे तो ऑटोमेटिक रोटर वोल्टेज होगा, ये एकदम बहुत ही आसान तरीका है। अभी इस जगह में दोस्तों जो आपका मेन हस्ट का मोटर है 185 किलोवाट का, आप सोच रहे हैं मोटर टर्मिनल में बाईपास करके चला लेंगे, तो देखिएगा किसी भी हाल में आपका 120 टन लोड उठाना है या 200 टन लोड उठाना है, इसको बाईपास करके देख लीजिएगा, किसी भी हाल में आपका उठेगा ही नहीं, ठीक है। और
जब आप एलटीसीटी में करते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी लोड नहीं है, इसीलिए आपका चल जाता है। लेकिन मेन हर्स का जो आपका स्लीवरिंग मोटर टर्मिनल है KLM, इसको बाईपास करके, मतलब ये तीनों का आप शॉर्ट करके 120 टन लोड कभी भी नहीं उठा पाइएगा। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया हूं और वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज इस वीडियो में जो जो बात मैं आप लोगों को बोला हूं, कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा, सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।